तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों लैंड एनिमल्स को व्हेल्स का एंसेस्टर कहा जाता है और देखेंगे कि कैसे जमीन पर रहने वाले जीव ने खुद को पानी में रहने लायक बनाया। पानी में रहने वाले मैमल्स यानी कि मरीन मैमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला फिनिफिड्स, जिसमें फ्लिपर फ्लोटेड एनिमल्स आते हैं जैसे कि सील्स, सी लाइन एक्सेट्रा। सेकेंड है सेटेशियंस, उसमें ऐसे मैमल्स आते हैं जो जमीन पर नहीं रह सकते जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड पॉपहॉइसेस। थर्ड है सी ऑटर्स, ये स्मॉलेस्ट मरीन एनिमल होता है। फोर्थ है सारेनियंस और फिफ्थ है पोलर बेयर। और हम बात करेंगे सेटेशियंस की। सेटेशियंस यानी कि व्हेल्स, डॉल्फिन्स, पॉपहॉइसेस, ये वो मैमल्स हैं जिन्होंने 50 मिलियन ईयर्स पहले इओसीन युग में इवॉल्व होना शुरू किया था। भले ही आज के सेटेशियंस यानी कि व्हेल्स फुली एक्वाटिक मैमल्स हो, लेकिन उनके पूर्वज छोटे हिरण के समान दिखने वाले आर्थियोडैक्टाइल थे। आर्थियोडैक्टाइल मतलब ऐसे मैमल्स जिनके पास इवन नंबर ऑफ टोज होते हैं, जैसे कि पिग्स, शीप, कैमल, जिराफ, डियर, गोट, हिप्पो। और व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड पॉर्पसेस मिलकर सेटेशिया ग्रुप बनाते हैं। सेटेशिया ग्रुप का ओरिजिन कैसे हुआ यानी कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें 50 मिलियन ईयर्स पीछे जाना होगा, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोहाइस की। इंडोहाइस का मतलब है इंडियाज पिग। ये एक छोटे हिरन और माउस डियर जैसा दिखने वाला प्राणी था जो लगभग 49 से 48 मिलियन ईयर्स पहले भारत के कश्मीर में पाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये सेटेशिया ग्रुप का सबसे क्लोजेस्ट सिस्टर ग्रुप है। पैलियंटोलॉजिस्ट द्वारा इसकी फॉसिल्स की जांच करने पर इस जीव के एक्वेटिक लाइफ को अडेप्ट करने के कुछ साइंस भी देखे गए, जैसे कि आउटर बोन कोटिंग का मोटा और भारी होना, जो कि हमारे मॉडर्न क्रिएचर हिप्पो से काफी मिलता जुलता है। ये फीचर बायंसी को रिड्यूस करता है ताकि उछाल कम रहे और मैमल पानी के नीचे रह सके। इंडोहाइस के पैडल जैसे फीट नहीं थे, ना ही तैरने के लिए हैवी टेल या फ्लूक टेल थी। ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो हिप्पोस की तरह शैलो वाटर में यानी कि उथले पानी में जाते होंगे, लेकिन उनमें एक कॉमन ट्रेट पाया गया, वो था इन्वोल्यूक्रम। एक पुरानी हड्डी पर एक नई हड्डी के बढ़ने को इन्वोल्यूक्रम कहते हैं। अधिकतर ये सेटेशियन ग्रुप में ही पाई जाती है। ऐसे में लैंड एनिमल से वाटर जायंट्स बनने के सफर में इंडोहाइस को एक मिसिंग लिंक की तरह माना जाता है, और बाकी के आर्थियोडैक्टाइल्स को हम सेटेशियन ग्रुप के दूर के कजन्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पैकीसीटस, जहां सीटस का मतलब है व्हेल। ये एक डॉग के आकार का सेमी एक्वेटिक जानवर था जो पानी के आसपास रहता था। फॉसिल से ये पता चला कि वो छोटे जानवर और मछली खाते होंगे। उनके दांतों से ये अंदाजा लगाया गया कि पैकीसीटस के पूर्वज ओमनिवोरस रहे होंगे। इंडोहाइस की तरह इनकी बोन्स भी थिक और हैवी पाई गई। यही सिर्फ एक ऐसे सेटेशियंस थे जिनका मैंडिबुलर फोरमेन साइज में छोटा था, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का होता है, लेकिन बाकी सेटेशियंस की तरह इनकी थिक स्कल बोन थी, जिसे ऑडिटरी बुला कहते हैं, जो पानी के अंदर सुनने में काम आती है। तो इससे ये पता चलता है कि पैकीसीटस जमीन पर रहने वाली पहली व्हेल थी। पैकीसीटस लैंड एनिमल्स और प्रेजेंट व्हेल्स के बीच की एक ट्रांजिशनल स्टेट है, जो कि लैंड एनिमल जैसे फीचर्स भी रखती है और पानी में रहने वाले व्हेल्स के जैसे फीचर्स भी रखती है। ज्यादातर फॉसिल टेथिस ओशियन के सेडिमेंट्स के रूप में पाए गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया कभी किसी जमाने में ये सभी टेथिस ओशियन में या उसके आसपास रहे होंगे। टेथिस का वो हिस्सा गायब हो गया जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट में फिसल गई, जिससे हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठ गया। नेक्स्ट है एम्बुलोसीटस। इन्हें कहा जाता है वॉकिंग व्हेल्स दैट स्विम्स। ये 48 से 47 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। ये 11 से 12 फीट लंबे होते थे। इनके पास एक लंबा, चौड़ा और पावरफुल मुंह था, देखने में कुछ कुछ क्रोकोडाइल के जैसा। ये पानी की सतह पर रह के अपने शिकार का इंतजार करते थे। इसकी नैरो स्ट्रीमलाइन बॉडी थी, जिसकी रिब्स यानी कि पसलियां काफी भारी और मोटी थी। इनके वेब्ड फीट थे। ईयर ड्रम को सपोर्ट करने वाली बोन भी पैकीसीटस की जैसी थी।
पर इनकी फ्लूक टेल नहीं थी। एम्बुलोसीटस पैल्विक पैडलर्स थे जो बारी बारी से एक रिदम में अपनी पूंछ और अपने हिंड लिम्ब वेब्ड पैरों को हिलाकर तैरते थे। इनके एयर में मैंजिबुलर फॉर्मन का साइज पैकीसीटस के कंपैरिजन में बड़ा था। नेक्स्ट है रोडोसीटस। ये 46 से 47 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। ये लगभग 10 फीट लंबे हुआ करते थे। इनके वेब्ड फीट थे और इनकी हिंड लिम्स काफी ज्यादा छोटी हो चुकी थी। पैकीसीटस के कंपैरिजन में इनका मैंडिबल फॉर्मन काफी बड़ा था। ऑडिटरी बिला भी बड़ा था। यहाँ तक कि इनके पास फैट पैड भी थे। लोअर जॉ की तरफ प्रेजेंट फैट पैड साउंड के डायरेक्शन बताते हैं, तो उस हिसाब से रोडोसीटस की हियरिंग एबिलिटी भी सेटेशन से काफी मिलती थी। नेक्स्ट है बेसिलोसॉरस। इसका दूसरा नाम है ज्यूग्लोडॉन। ये लगभग 49 टू 66 फीट लंबे हुआ करते थे। इसके फॉसिल्स यूएस में मिले थे। इसकी लंबी और नैरो स्कल की वजह से इनिशियली इसे कोई बड़ी छिपकली समझकर इसका नाम बेसिलोसॉरस रख दिया गया, जिसका मतलब है किंग लिजर्ड। पर बाद में ये पता चला कि ये एक मरीन रेप्टाइल नहीं बल्कि ये एक मरीन मैमल है। माना जाता है कि ये भी कभी डेथिस ओशन में ही रहे होंगे। नेक्स्ट है डोरेडॉन। ये भी बेसिलोसॉरस के टाइम के आसपास ही रहे थे, लगभग 40 से 33.9 मिलियन ईयर्स पहले। ये लगभग 16 फीट लंबे हुआ करते थे, जो कि स्मॉल फिशेस और मॉलस्क को खाते थे। ये भी डेथिस ओशन में ही पाए जाते थे। इनके फॉसिल्स पाकिस्तान, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स में पाए गए हैं। ये बेसिलोसॉरस के जैसे ही थे, बट इन्हें उनका छोटा वर्जन माना जाता है। अब बात करते हैं हम अपने मॉडर्न सेटेशंस की, यानी कि वेल्स की। वेल्स वार्म ब्लडेड होती हैं, वो ह्यूमंस की तरह बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें मिल्क भी प्रोवाइड करती हैं। उनके पास लंग्स होते हैं और एक्सहेल करने के लिए ये ब्लू होल्स का इस्तेमाल करती हैं। पानी के अंदर ये कम्युनिकेट कर सकती हैं। मॉडर्न वेल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला मिस्टिसिड्स यानी कि बलीन वेल्स, ओडोंटोसिड्स यानी कि टूथ वेल्स। मिस्टिसिड्स यानी कि बलीन वेल्स साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, इसलिए उनके पास दो ब्लू होल्स होते हैं और ओडोंटोसिड्स के पास एक ब्लू होल होता है। टूथ वेल्स के पास दांत होते हैं, लेकिन बलीन वेल्स के पास बलीन प्लेट्स होती हैं।